आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनता की क्या राय है और किस तरह से आज जो है ये कार्यक्रम जो सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, क्या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं, किस रूप से सक्रिय होकर के इस अभियान में जुटे हैं, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त हम बेंगाबाद के हरला पंचायत में मौजूद हैं, जहाँ ये शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ आप कल भी देखे थे कि जिस तरह से चितमाड़ी पंचायत में भी तमाम तरीके के स्टॉल लगाए गए थे, सभी विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद थे और जो आम लोग हैं वो यहाँ पहुँच के जो है 16 लोगों का जो समस्या है उसको सुनने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों से राय लेते हैं कि उन लोग आखिर यहाँ क्यों आए हैं, क्या उनका समस्या। दादी यहाँ आई हैं आप, क्या नाम है आपका? पौधना मौसमत। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ आप क्यों आई हैं? बेटवा। बेटा आपका बेटा, आप बेटा क्यों आए हैं, आप माँ को लेकर आए हैं? विधवा है, विधवा पेंशन का। अच्छा, पेंशन के लिए जी। तो आवेदन वगैरह दे दिए? दे दिए। तो इससे पहले इनका उम्र तो 60 वर्ष से ज़्यादा है, विधवा पेंशन। अच्छा है, तो इससे पहले ब्लॉक में दिए थे कभी? क्या दिए हैं? यही पंचायत में दिए हैं। अच्छा, लेकिन आज फिर से दिए? हाँ, आज फिर से दिए। तो क्या बोला गया आपको वहाँ से? बोला गया हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। अच्छा, बोला गया। आप क्यों आए चाचा यहाँ? फरना बाबा क्यों आए? हाँ, आए वही मांगने से। क्या मांगने? यहाँ साफ कर, वृद्धा पेंशन मांगता है, यहाँ साफ करते हैं हम लोग, काम करते हैं, कमाने। अच्छा, पेंशन लेने आए। चाची आप लोग क्यों आई हैं यहाँ? मेरा पति नहीं है, लड़का नहीं है, तो लड़की तो मुकसान हो गया, उसके शादी करेगा, तो कुछ मदद दीजिए हमको, यार कॉलोनी नहीं है फिर। अच्छा, तो आवेदन वगैरह दिए? हाँ, आवेदन तो दिए। अच्छा, दिए हैं। और भी जो कुछ लोग हैं, क्यों आखिर यहाँ आए, आप क्यों आई हैं यहाँ, क्यों आई है यहाँ पर? वृद्धा पेंशन के लिए। आवेदन दिए आप? आवेदन दे दिए? ना दलाई। अच्छा, आवेदन नहीं दिए। आप क्यों आए चाचा जी? क्यों आए हैं? वह वृद्धा पेंशन के लिए। वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन दे दिया? दे रहे हैं। अच्छा, तो इससे पहले आवेदन नहीं दिए थे आप? नहीं दिए थे। आज पहली बार दे रहे हैं? पहली बार दे। तो अच्छा, एक बात बताइए कि सरकार ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है कि आप ये इसी पंचायत के, हरला पंचायत के? नहीं, है ही हरला। तो आपके पंचायत में ये जो शिविर लगा है उससे आपको लग रहा है कि ठीक है भैया, आपके नज़दीक में आकर के आपका आवेदन ले रहा है, आप कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, बढ़िया लग रहा है। सरकार को आप कितना नंबर देंगे? पाँच में देंगे। पाँच में कितना नंबर देंगे इस कार्यक्रम के लिए? कितना नंबर देंगे? पाँच नंबर में कितना नंबर देंगे? तीन नंबर देंगे, चार नंबर देंगे या पाँच नंबर देंगे? ना, पूरा धन्यवाद करेंगे उसको। धन्यवाद करेंगे, यानी पाँच में पाँच आप दे रहे हैं। आप लोग क्यों आई हैं यहाँ पे? कॉलोनी हमने के कुछ मिलवे ना करल है। अच्छा, कॉलोनी। हाँ, सास के दे पेंशन पैसा। हरला पंचायत से? हरला पंचायत। अच्छा, तो आवेदन वगैरह दिए आप लोग यहाँ पे? हाँ, आवेदन दे दिए। हाँ, क्या बोले वहाँ पर आवेदन देने के बाद? कॉलोनी। तो वहाँ कुछ बोल, जिनको आवेदन दिए वो क्या बोले? कुछ नहीं, लिख लो। अच्छा, लिख लिया। आप क्यों आई हैं? हम एक कॉलोनी। आप कॉलोनी के लिए? हाँ। अच्छा, देखिए ज़्यादातर लोग यहाँ जो हैं वो पेंशन और जो जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के यहाँ जो है सो लोग आ रहे हैं। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो जो लोग हैं वो क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? गुंजा पंडित। आपका कौन सा पंचायत? यही पंचायत है? हरला पंचायत। क्यों आए हैं आप यहाँ? वैक्सीन लेना है। वैक्सीन लेना है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो वैक्सीन ले लिया? नहीं, अभी खाना खाने की है। खाना खाने के लिए गए हैं, वैक्सीन लेने आए हैं। पहला डोज की दूसरा? दूसरा। दूसरा डोज आपका भी? दूसरा। हाँ, दोनों साथ में आए, पति पत्नी है। हाँ। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, सरकार ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, हाँ, सरकार आपके द्वार, ये आपके पंचायत में ऐसा शिविर लगाया जा रहा है, अभी आप बोल रहे हैं वैक्सीन तो आपके पंचायत में ही लग जा रहा है, अभी कितना नंबर देंगे पाँच नंबर में सरकार को? पाँच में कितना नंबर देंगे? 100 दे देंगे। पाँच में 100 यानी पाँच में पाँच देंगे? पाँच में पाँच देंगे। चलिए, पाँच में पाँच देंगे। और भी जो लोग हैं क्यों आखिर, युवा कुछ साथी लोग हैं, क्या भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम कुमार दास। आप यहाँ पर इसी पंचायत से हैं? हाँ। क्या अभी क्यों आए थे यहाँ? यहाँ पे ऐसा तो पता है, हम लोग को इन्फॉर्म हुआ नहीं था, तो देखे लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, हमसे कि क्या हुआ। हाँ। तो फिर आके देखे तो यहाँ पे कुछ शिविर लगा था। अच्छा, तो अब देख रहे हैं कि बहुत सारा यहाँ पे इंदिरा आवास वगैरह और सही कई सारे। क्या करते हैं आप? अकाउंट्स का काम करते हैं। अकाउंट्स का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री जो रोजगार के लिए भी यहाँ एक स्टॉल लगाया गया है, पूछताछ की आप? नहीं, ऐसा तो पूछताछ कुछ नहीं, पूछताछ नहीं किया। कैसा लग रहा है कार्यक्रम से, आप कितना नंबर देंगे सरकार को? पाँच में कितना नंबर देंगे? वो उचित जो लगेगा वो हम देंगे, ऐसा नहीं। फिर भी अभी बताइए, इस तरह के कार्यक्रम जो हो रहे हैं पंचायत स्तर पर ही लोगों का समस्या सुना जा रहा है, आवेदन लिया जा रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है, उसमें से उसको देखते हुए आप कितना नंबर देंगे सरकार? वो तो बात देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि जो जिस काम के लिए हम आए हैं वो अगर पूरी रूप से संपर्क मतलब पूरी तरह से अगर सही हो जाएगा तभी तो मैं बता सकता हूँ कि क्या है। नहीं, बता सकते हैं कि ठीक है। चलिए, तब बता सकते हैं कि ठीक है। और भी जो कुछ लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं चर्चा कर रही हैं आपस में। चाची आप लोग क्यों आई हैं यहाँ?
राशन कार्ड बनाने। राशन कार्ड बनाने बन गया? राशन कार्ड नहीं बना है। अच्छा तो आवेदन दी ना, अभी तो तुरंत नहीं बने। आवेदन नहीं ले रहा है, वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? क्या बोला, कुछ बोला कि नहीं? ऑनलाइन करने। आप क्यों आए हैं? वो इंदिरा आवास वास्ते आए हैं, हम लोग का घर नहीं है ना। अच्छा, हम सोचे फार्म भराएंगे तो आएगा इंदिरा। आवेदन दे दिया? नहीं अभी दे रहे हैं। अभी दे रहे हैं। आप क्यों आई है? वही कॉलोनी के। अच्छा एक बात बताइए, वैक्सीन ले लिया आप लोग? हाँ ले ली। दोनों डोज ले लिए? हाँ दोनों डोज। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें 5 नंबर में आप कितना नंबर देंगे सरकार को? इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है आपके पंचायत में, सभी तरह का स्टॉल लगाया गया, अपनी समस्या को रख सकती हैं। अभी बता रही हैं प्रधानमंत्री आवास को लेकर के भी आप बात यहां रख सकती हैं, पेंशन को लेकर के बात रख सकती हैं, वैक्सीन ले सकती हैं। कितना नंबर देंगे 5 नंबर में? 5 नंबर पूरा दे देंगे जब सब कुछ हो जाएगा तब। सब हो जाएगा तो 5 नंबर। अभी मेरा राशन कार्ड नहीं बना है अभी कितना साल से। अच्छा मेरा चावल नहीं मिलता है। अच्छा चलिए ठीक है। तो कई लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, लोगों का आखिर और क्या कुछ कहना, और लोगों से जानकारी लेते हैं। आप क्यों आई हैं यहाँ पर? राशन कार्ड बनाने यार। और अच्छा, है राशन कार्ड? आप पति हैं इनके? नहीं नहीं, हम इसका देवर हैं। अच्छा आप कहाँ? हरला पंचायत। हरला पंचायत आए हुए हैं। अच्छा और आई थी भाभी, आई थी बनाने के लिए, वृद्धा पेंशन चालू माँ के लिए बनवाने के लिए आए थे। तो पेंशन के लिए दे दी अर्जी? हाँ दे दी अर्जी। अच्छा तो ये बताइए कि जो कार्यक्रम हो रहा है आपके पंचायत में इससे आप कितना संतुष्ट हैं, कितना नंबर देंगे? काफी संतुष्ट है जानकारी, हालांकि पहले मिलना चाहिए वार्ड से या तो मुखिया से, खुलकर जानकारी नहीं मिला हमें। फार्म लाने के लिए छोटे खड़े जाने पड़ता है, पैदल आने में लोगों को तकलीफ होता है। अच्छा काम काम का दिन है इसके हिसाब से। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाची एक मिनट रुक जाइए, कहाँ जा रही हैं आप, कितना स्पीड में? कहाँ, क्यों आई थी? कागजात। कौन सा कागजात? पेंशन के लिए ना है देखो, ये थी आवास के लिए। हाँ। अच्छा आवास के लिए दे दिए। अच्छा चलिए, ये कार्यक्रम जो हो रहा है यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? ठीक है कार्यक्रम, ये जो आपके हरला पंचायत है ना, कैसा लग रहा है? ठीक हो रहा है कार्यक्रम? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया हो रहा है। अच्छा इसी पंचायत से आप? ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है आप यहाँ क्यों आए हैं, सो पहले बताइए। आए हैं कॉलोनी लिखाने के। कॉलोनी लिखाने के लिए। अच्छा ये बताइए कि सरकार ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, वो कार्यक्रम से आप कितना संतुष्ट हैं, कितना नंबर देंगे 5 में? आप 5 में 5 नंबर संतुष्ट हैं आप? हाँ। अच्छा काम हो रहा है। अच्छा अच्छा काम हो रहा है। आप क्यों आए हैं? वृद्धा पेंशन लिखाने। इसी पंचायत से? हाँ। क्या नाम है आपका? बाबूराम तुरी। बाबूराम तुरी जी, ये बताइए कि अभी पेंशन के लिए आए हैं आप? हाँ पेंशन। अच्छा वृद्धा पेंशन के लिए। ये बताइए कि सरकार का ये जो काम हो रहा है आपके पंचायत में ही शिविर लगाया जा रहा है, सभी पदाधिकारी आप ही के पंचायत पहुंच गए हैं, वैक्सीन लिए आप? वैक्सीन लिए? हाँ ले। कोरोना का टीका? हाँ, हाँ, ले लिए दोनों? हाँ। सरकारी जो काम कर रही है उसमें से 5 नंबर में कितना नंबर दीजिएगा, संतुष्ट हैं आप? हाँ दे दीजिए ना, कितना नंबर देंगे हम? आपको ठीक लग रहा है कार्यक्रम? हमको तो ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ बताइए। वैक्सीन ले लिए? वैक्सीन चलिए सुनिए, लड़की को अथी वोटर कार्ड आवेदन भर के दिया। अच्छा आवेदन भर के दिया। अच्छा ठीक है, वो आपके सुने जाएंगे वहाँ पर, आप बताइएगा हम बता आपको। आप क्या चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा मंसूर अंसारी नाम है। अच्छा आप क्या कॉलोनी के लिए आएंगे पेंशन? कॉलोनी तो मिली नहीं रहा है सर। अच्छा। कितना है कि हमारा पेंशन भी नहीं मिल रहा है, पेंशन भी। अच्छा तो यहाँ पर आप, यहाँ जो पेंशन वाला जो स्टॉल है वहाँ जाके बात किया? अब गया तो बोला उधर जाओ उधर जाओ। अच्छा। तो कहाँ जाएं, क्या कर रहे हैं? अच्छा कुछ लोग जो हैं सो समस्याएं जो है सो लोगों की बनी हुई है, लोग जो हैं वो थोड़ा सा जो है सो कुछ ना कुछ समस्याएं जो है सो यहाँ सो देखने को ज़रूर मिल रही है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सरकार का ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है कि कम से कम सरकार जो है आपके द्वार ये जो कार्यक्रम है उससे आम जो लोग हैं वो कम से कम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वैक्सीन और तमाम तरीके के जो सुविधाएं जनता के लिए सरकार ने ये जो पहल की है उसको लेकर के कई लोगों की जो क्या क्या राय है वो आप इस वीडियो में देख रहे थे। और आपको हम बता दें कि ये जो कार्यक्रम है ये लगातार अभी चलने हैं, 45 दिनों का ये पूरा कार्यक्रम है और बेंगाबाद में तकरीबन 6 पंचायत अभी तक आज को लेकर के पूरे हो चुके हैं। अभी और भी जो पंचायत हैं वहाँ पे भी ये कार्यक्रम होने हैं। वहाँ की जो जनता है, वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम को लेकर के, कितने नंबर देते हैं, क्योंकि खास करके हमने ये प्रयास किया कि जनता की आखिर क्या राय है, क्योंकि जो सरकार जनता के लिए ही काम करती है और जनता आखिर कितनी संतुष्ट है इस तरह के कार्यक्रम से, वो हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे और आपको हम दिखाते भी रहेंगे। देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया। Thank you.